मैंने गरीबों की लड़ाई लड़ी, मैंने किसानों की लड़ाई लड़ी, मैंने महिलाओं की लड़ाई लड़ी, हर व्यक्ति की मैंने लड़ाई लड़ी है। और कोई मुझसे ये नहीं बोल सकता कि मैं कभी क्षेत्र में नहीं निभाती। हमारे मैं जरूर हूँ लेकिन टूटी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पति और मेरे देवर झूठे फंसे और ये बीजेपी कांग्रेस मिलके मेरे पति और देवर को निकलने ही नहीं देना चाहती, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर राम भाई चुनाव में लड़े। उन्हें मालूम है अगर मैं चुनाव लड़ूंगी तो मैं जीतूंगी। भावुक तो इसलिए नजर आई हूँ कि जब कुछ लोग ऐसे हैं विरोधी पार्टी के जो मतलब उलझगुल बातें करते हैं, उलझगुल बोलते हैं, गलत बोलते हैं, तो दुख तो होता है। बट मैं ऐसा नहीं हूँ कि मेरे परिवार के निर्दोष हैं, जो सब जानते हैं कि दोनों मेरे पति और मेरे देवर जेल में बंद हैं, लेकिन मुझे कमज़ोर करने के लिए लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। पर उन्हें मालूम नहीं है कि लोहा कभी कमज़ोर नहीं पड़ता है। 50-60 साल तक तो मतलब जंग भी लग जाती है तब भी थोड़ा बहुत मतलब वो टिका रहता है। तो मैं उस लोहे के समान हूँ और मैं एक ऐसी पार्टी की सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, कि जिस पार्टी में कभी टूटना नहीं किसी ने सीखा है, तो मैं टूटी नहीं हूँ। महाराज जी अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, मानवतर रहे, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। Thank you.